हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक्स ऑफ लाइफ। आज मैं इस व्लॉग में आपसे अपना अक्षय तृतीय के दिन इस्कॉन टेंपल जाने का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि अक्षय तृतीय वाले दिन क्या क्या होता है वहाँ। तो हमारे साथ सफ़र में बने रहिए और एक्सपीरियंस कीजिए हमारे साथ ये डिवाइन दर्शन ऑफ श्री कृष्णा एंड राधा जी। तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 11:35 और हम निकल गए हैं हमारे सफर की। और हमारा ना इंस्टेंट प्लान बना आज मॉर्निंग में इस्कॉन टेम्पल जाने का, थैंक्स टू अमेजिंग मौसम दिल्ली का। और यहाँ हमने अपने स्नैक्स भी ले लिए हैं बिकॉज हम ब्रेकफास्ट नहीं करके आए हैं तो लेट भी हो गए थे, तो हमने सोचा यार साथ ही ले चलते हैं। और लेट भी हो गए हैं यार, इस्कॉन टेम्पल के दर्शन ना 1 बजे बंद हो जाते हैं और हम कैलाश कॉलोनी वाले इस्कॉन जा रहे हैं जो कि हमारे घर से 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बस कृष्णा जी दर्शन दे देना। तो अभी हमने यहाँ ऑटो में अपना ब्रेकफास्ट का पिटारा खोल लिया है और ब्रेकफास्ट में हम लाए हैं आलू पूरी। कमेंट्स में बताना आपको आलू पूरी ज़्यादा पसंद है या आलू पराठा। तो मुझे पर्सनली तो आलू पराठा पसंद है, वो भी गर्मा गर्म आलू पराठा दही के साथ। आपको क्या पसंद है ज़रूर बताना। और अभी हमने क्रॉस किया है गांधी म्यूज़ियम जो कि राजघाट के पास है और टाइम हो रहा है 11:20। अभी भी काफ़ी रास्ता बचा हुआ है यार। तो फाइनली हम 11:50 पर पहुंच गए हैं इस्कॉन टेम्पल। जय श्री राधा कृष्णा। चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ क्या क्या स्पेशल है आज। यहाँ अक्षय तृतीय की इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है और यहाँ की फ्रेग्रेंस ना, मतलब एंटर करते ही मन शांत हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो चलो सबसे पहले अपने स्लीपर्स जमा करवाते हैं और दर्शन करते हैं कान्हा जी के। यहाँ एंटर करते ही ना ये वाइब, ये खुशबू, ये खूबसूरती, क्या बात है यार। मतलब ऑटोमेटिकली आप ना एक रिलैक्स मोड पे चले जाते हो, थैंक्स टू कृष्णा जी। मतलब इतने अच्छे दर्शन और इतनी अच्छी वाइब, मतलब संडे हिट है यार। और अभी आरती का टाइम होने वाला है और दर्शन 12:30 बजे खुलेंगे। तब तक आप भी हमारे साथ हरे कृष्णा हरे रामा चैंट कर सकते हो। और ये देखिए कान्हा जी कितने अद्भुत लग रहे हैं राधा जी के साथ इन वस्त्रों में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे। इतने अमेजिंग दर्शनों के बाद चलते हैं गैलरी की सैर करने जो कि मंदिर के प्रेमिसेस में ही है। कृष्ण जी के काफी सारे अलग अलग टेम्पल्स के स्वरूप देखने को मिलेंगे जो कि US, जर्मनी, जहाँ भी है अलग अलग सारी लोकेशंस के यहाँ पे स्वरूप देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे स्टोरीज भी, यहाँ पिक्चर्स हैं जिनमें नीचे स्टोरीज भी लिखी हैं और वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो अभी हम प्यारे से दर्शन करके आ गए हैं बाहर, तो चलो चलते हैं और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ मंदिर को। सो अगर आप यहाँ पे सेपरेटली चैंट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे इधर बिल्कुल मंदिर के सामने ही बाहर ही यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे आप आराम से शांति से चैंट कर सकते हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली आप एक रिलैक्स मोड पे चले जाते हो। तो यहाँ थोड़ा आगे जाके आपको कृष्णा जी से रिलेटेड बुक्स, क्लोथ्स और फूड आइटम्स भी मिलेंगे। तो चलो हम भी चलते हैं और कुछ खाते हैं और देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। सो यहाँ पर बर्गर, फ्राइज, ब्रेड पकौड़ा, स्वीट्स सब कुछ मिलेगा, छोले भटूरे, नूडल्स सब कुछ मिलेगा जो कि यहाँ पे सामने ही बन रहा है। और अभी हमने यहाँ से लिए हैं नूडल्स, फ्राइज एंड बोंडा। यस, ये हमने फर्स्ट टाइम देखा और सुना भी इसका नाम फर्स्ट टाइम है। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये है क्या। सो सबसे पहले तो नूडल्स ट्राई करते हैं और इसका टेस्ट यार एवरेज है, मतलब उतना अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। और प्राइस इसका है पर प्लेट है 80 रुपीज। एंड अब ट्राई करते हैं ये बोंडा जिसका प्राइस है 20 रुपीज। एंड इसकी जो आउटर लेयर है ना वो बेसन की है और अंदर समोसे के आलू वाली फिलिंग है। और टेस्ट में यार काफ़ी अच्छा है ये, विदाउट सॉस भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना यहाँ आके। तो अब चलते हैं आगे और लेते हैं प्रसाद। यहाँ प्रसाद में आपको नारियल के लड्डू, बेसन के लड्डू और पंजीरी के लड्डू मिलेंगे जिसमें नारियल और बेसन के लड्डू का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ पर पीस है और पंजीरी वाला लड्डू 50 रुपीज़ पर पीस है। यहाँ पर नमकीन के ऑप्शंस भी हैं जिसमें जिसका कॉस्ट आता है नियर अबाउट 75 to 100 रुपीज़ पर बॉक्स होगा। सो हमने अपना प्रसाद पैक करा लिया है और यहाँ ना आप ये कृष्ण प्रसाद ज़रूर ट्राई करना। हमने जब एंटर किया था तभी यहाँ बट नहीं रहा था वरना हम यही खाते। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस होता है और मैं आपको यहाँ किसी एक की प्लेट भी दिखाती हूँ,
बहुत ही यमी यार। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस एट इस्कॉन टेम्पल। चलो चलते हैं अपने घर वापस। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। Bye.